मुंबई महानगर पालिका चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे आर्थिक राजधानी मुंबई में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुंबई के कुल 227 वार्डों के जनप्रतिनिधि पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। आपको बता दें, मुंबई के मलाड इलाके में कॉरपोरेटर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेटर कही जाती है, उनका नाम योगिता सुनील कोहली है, उनके मार्गदर्शन में एक साथ 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 46 की यह दास्तान है। यहां नगर सेविका योगिता सुनील कोहली द्वारा रामलीला मैदान के मुख्य गेट का नूतनीकरण किया गया और इसी दौरान दिव्यांगों को निशुल्क स्कूटर वितरित किया गया। इसके अलावा स्थानीय रहवासियों को मास्क, सैनिटाइजर और उसका स्टैंड दिया गया। कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 46 की नगर सेविका योगिता सुनील कोहली के मार्गदर्शन में एक साथ 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शरीक हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण का काम भी गोपाल शेट्टी ने पूरी तत्परता के साथ किया। 4 कार्यक्रम के अलावा 5वें कार्यक्रम का ऐलान भी इस मौके पर कर दिया गया और वो है ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के चलते अस्पतालों में ब्लड की कमी महसूस हुई थी, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने ज्यादा से ज्यादा ब्लड कलेक्ट करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और उसी को मूर्त रूप देने के लिए बीजेपी के नगर सेवक पूरी निष्ठा के साथ जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर इस समय मुंबई महानगर पालिका चुनाव के शंखनाद का सिर्फ इंतजार भर है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के तत्काल बाद सेवा भाव का भी सिलसिला जनप्रतिनिधियों द्वारा और तेज हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मलाड भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनील कोहली जी और नगर सेविका योगिता कोहली जी के माध्यम से एक साथ में 4 कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया गया। ये जो रामलीला मैदान के नाम से प्रख्यात मैदान का जो गेट है उसका नूतनीकरण का काम होगा। 2 दिव्यांग लोगों को निःशुल्क स्कूटर वितरण, यह पहली बार मेरे हाथ से कम हो रहा है, 2 दिव्यांगों को स्कूटर निःशुल्क वितरित किया गया और जो सोसाइटी के लोगों को सैनिटाइजर और उसका स्टैंड इसका वितरित हुआ और साथ साथ में वृक्ष लगाने का कार्यक्रम भी हुआ और 5वां कार्यक्रम की घोषणा भी हुआ, जो ब्लड वापस शॉर्टेज हो मुंबई शहर में हो रहा है तो आने वाले दिनों में ब्लड कैंप भी किस प्रकार से आयोजन हो उसके बारे में भी चर्चा हुई। मैं मानता हूँ कि एक जगह पर कोरोना है, दूसरी जगह पर मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधि जो है अपने दायित्वों को किस तरह से निभाते हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, इसलिए वो सोच से मैंने और खासदार गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन से मैंने ये वितरण किया है और आने वाले समय भी और भी कुछ दिव्यांग लोगों को लगेगा वो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर पूरा करेगी। आज हमारे उत्तर मुंबई के आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी के शुभ हस्ते ये पूरा राजेश शाहजी ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ उसका प्रवेश द्वार, उसका गेट और वो शेड के काम की शुरुआत हमारे यहाँ की नगर सेविका योगिता कोहली इनके फंड से ये काम की आज शुरुआत हुई है। साथ ही साथ कोरोना का काल चल रहा है, इसके लिए आसपास के जितनी भी सोसाइटी है उनको सैनिटाइजर, मास्क और हर विंग में पैंडल जो सैनिटाइजर पूछ करके अपने को देता है वो वितरित करने का कार्यक्रम यहाँ किया गया। साथ ही साथ यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। आज जो मोटर व्हील चेयर जो दिया गया है, मतलब जो वो चेयर अधिकतर बांटा जाता है लेकिन आज व्हीकल दिया गया है योगिता कोहली जी के द्वारा, नगर सेविका जी के द्वारा और मंडल अध्यक्ष सुनील कोहली जी के द्वारा गोपाल शेट्टी जी के हाथों से, ये बहुत बड़ा और आज के दिन 4 कार्यक्रम एक साथ करना है, इन लोगों को बहुत बहुत इन लोगों में धन्यवाद करता हूँ। नगर सेविका योगिता कोहली जी ने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में भी लिखा है कि कैसे खास करके जो दिव्यांगजन है और ऐसे लोगों है उसको कैसी तरह से मदद करना, और ये खास करके हमारी यहाँ की नगर सेविका योगिता कोहली जी और सुनील कोहली जी, ये खासदार गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में ऐसे अनोखा कार्यक्रम न सिर्फ आज बल्कि आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे और अभी तक 5 में भी इन्होंने अनेक काम किया है। हम सुनील कोहली जी और योगिता कोहली जी जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हम जब भी वो बुलाते हैं तो हम ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे कितनी भी बारिश हो या चाहे कोरोना हो, लेकिन फुल टाइम ये लोग कार्यरत है और सहयोग पूरा दे रहे हैं। तो हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से उनको बहुत बहुत सहयोग देते हैं।